अगर कभी पसंद न आए मेरी शायरी, अगर कभी पसंद न आए मेरी शायरी तो बताने का नहीं। और भड़वो वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। वाह वाह कुंवर साहब वाह, हौसला आता है बिल्कुल। इससे शुरुआत करते हैं तो दोस्तों हमारे शो पे हम भड़वो को बुलाएंगे भी और उन्हें आना भी पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में हमने बुलाया उस भड़वे को जो है तो एक बीमारी लेकिन आधी दुनिया उससे है बेखबर। एनी गेसेस? टिकटॉक, रोडीज, स्प्लिटजिला, मैं बिग बॉस। मैं जा रही हूँ यार, मेरा हो गया इधर से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी निडर, इसकी जरा भी मात्रा आपको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी है। जवानों की मर्जी का दुश्मन और बुड्ढों की खुशनपंती का कारण, बुलाते हैं नर्द होमोफोबिया। मीठा है तो? अरे जूस की बात कर रहा हूँ, मीठे जूस और मीठे लौंडे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। भड़वे क्या ये? ये बेटा लौकी का जूस, हर बीमारी का रामबाण इलाज, फिर चाहे हो बवासीर या जंग लगी शमशीर सब ठीक हो जाएगा, पी ले। ओ चिलगोजे, मेरा इधर सब सामान ठीक है, समझा? ये अपनी दुकान इधर मत खोल, सवाल करूंगा तीखे करारे कजरारे, जवाब दे चुपचाप। पूछ। हाँ तो मिस्टर भड़वे होमोफोबिया, इसकी बहन की तुम चीज क्या हो यार, बताओ सबको आज खुल के बताओ, अपना इंट्रो दो, तुम हो क्या? अब अपना इंट्रो क्या दूं मैं, ये लगा ले कि अगर आसपास कोई होमोसेक्सुअल बाइसेक्सुअल को देख के तेरे अंदर नेगेटिविटी आती है, तू अनिजी होता है, उनका मजाक उड़ाता है या किसी और के उनके मजाक उड़ाने पे तुझे हंसी आती है, अंदर से मन करता है कि इसे मीठे चिकने गुड़ छक्के ये सब कहने का तेरा अगर मन करता है तो मुबारक हो, तुम्हारे अंदर भी मैं हूं। ताली दे, पे छक्का है क्या ताली दे रहा है? तो भड़वे तमीज से बैठ जाए इधर, समझा? सवाल कर रहा हूँ, चुपचाप जवाब दे तमीज से। तो पूछ। तू मेरे को ये बता, हाँ ये बीमारी होती कैसे? अब देख ज्यादातर केसों में भारत के अंदर तो ये जन्मजात होती है, पैदा ही इंसानी से लेके होता है। और मतलब इसका कारण क्या होता है? कारण तो जैसे बाकी बीमारी, हर बीमारी किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी से होती है ना। अब तू लगा अगर विटामिन ए नहीं खाया तो रतौंधी हो जाएगी, वैसे ही अगर पढ़ाई नहीं की और कॉमन सेंस नहीं है आदमी के अंदर तो उसे होमोफोबिया हो जाएगा। अच्छा तो मतलब किसी गांड में हम पढ़ाई के इंजेक्शन लगवा दें तो उसको ये बीमारी नहीं होगी है? नहीं मतलब कोई गारंटी नहीं है, कितनी बार ऐसा होता है कि इंसान की एजुकेशन की खुराक तो बराबर चलती है लेकिन कॉमन सेंस की डोज कम रह जाती है तो उसे फिर होमोफोबिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक सेकंड जरा फोन बज रहा है। हाँ क्या बात कर रहा है? तो उसकी माँ को बता और उसके बाप को बता। नहीं आज लड़के के गले में हाथ डाल रहा है, कल उसकी जांग पे हाथ रखेगा, परसों उसका पकड़ लेगा। ओ भड़वे होने बाद में बात करूंगा। हाँ घर वालों को बता उसके। इसकी बहन की जो जिसके साथ बैठे जिसके साथ मन करे उसके साथ बात करे, जहाँ मर्जी जाए जिस मर्जी को छुए, तेरे को क्या दिक्कत है? नहीं छुओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लड़का लड़की का फर्क तो समझो भाई, व्यवस्था कोई चीज है कि नहीं है? मैं कोई प्यार का दुश्मन नहीं हूँ। अच्छा तो तू मानता है कि प्यार में ऊंची जैसी चीज होनी नहीं चाहिए? बिल्कुल ना होनी चाहिए। अमीर गरीब जैसा भी कुछ नहीं होना, बिल्कुल ना। प्यार तो किसी को किसी से हो सकता है, प्यार इकोनॉमिक स्टेटस देख कर थोड़ी होता है। तो भड़वे ये कहाँ लिखा है कि लड़का लड़के से प्यार नहीं कर सकता, लड़की लड़की से प्यार नहीं कर सकता है? तू कौन होता है बताने वाले, गलत है या सही है? देख मुझे लॉजिकल बातों में मत फंसा, मेरे डायलॉग मेरे पे मत मारियो, समझा? और ये बता तू साले आया कहाँ से हमारी जिंदगी में? मैं तो हमेशा से यही था बेटा, वो तो जब से ये लोग खुल के बाहर आने लगे तो लोगों के अंदर का होमोफोबिया भी बाहर आने लग गया। बस ये जरूर है कि तुम्हारी फिल्मों ने बहुत योगदान दिया है मुझे फैलाने में। कैसे? अब तू ये देख, आज तक किसी पिक्चर का हीरो दिखाया है कि गे बाइसेक्सुअल हो, हीरोइन कोई लेस्बियन हो ना, जब भी इन कैरेक्टरों को दिखाया है इनके कपड़े अलग, इनकी चाल ढाल अलग, इनके पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक अलग, इनको कभी नॉर्मल की तरह दिखाया ही नहीं, और यही मैं कहता हूँ कि ये नॉर्मल नहीं है। भड़वे लेकिन बदल रहे हैं हम, बदल लिए हमारी फिल्में भी बदल ली। अब कितना बदल रहे हो? अभी जरा सा बदले और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता,
और हमारी भारत की व्यवस्था चरमरा जाएगी इस चीज से। तो तुम ये समझो, आज की डेट में तो लड़का और लड़की की शादी में कितनी परेशानी आती है। कल को लड़की लड़की से शादी करेगी तो कैसे डिसाइड होगा दहेज कौन देगा? लड़का लड़के से शादी करेगा तो कैसे बताओगा कौन सा वाला घोड़ी चढ़ेगा? समझो ना, सारी बातें छोड़ दो, मुझे ये बता दो बालक कैसे पैदा होंगे। तो बड़बड़ करने क्यों है, 130 करोड़ हो तो रख गए। इसकी बहन की जो पैदा नहीं हुआ उसकी तेरे को टेंशन हो रही है, और जो यहाँ पैदा है उसकी खुशी से तेरे को लेना देना नहीं है कुछ। काफी खुले विचार का लग रहा है तू मुझे। है हम तो हैं, हम तो पढ़े लिखे खुले विचार के लोग हैं, आज का युवा है हम तो। तो पता होगी तुझे तेरा भाई भी गे है। हाँ है, पता है, और कोई दिक्कत भी नहीं, बता। बड़ुआ मेरी हिपोक्रेसी चेक कर लिया था ना तू, अब बोल ना। चल तू तो समझदार है, पर तेरे जैसे कितने हैं, आधे से ज्यादा तो आज भी हिपोक्रेटी है, और वही मेरी ताकत है। जब तक वो लोग हैं मैं खूब फलता फूलता रहूंगा, और बता रहा हूँ मैं ही तय करूंगा कौन नॉर्मल है और किसे प्रॉब्लम है। अबे क्या बोल लिया है सब, क्या फर्क है उनमें और हम में? मैं कोई माँ के पेट से ये सोच के पैदा नहीं होता कि दुनिया में जाके किससे प्यार करेगा। इंसान दुनिया में आता है, लोगों से मिलता है, इश्क मोहब्बत प्यार जैसी चीजें ना तब उसकी जिंदगी में आती है। और जितना नॉर्मल है लड़के का लड़की से प्यार करना ना, उतना ही नॉर्मल लड़के का लड़के से लड़की का लड़की से प्यार करना है। और तुमने तो यार अलग ही डिफिनेशन बना दिए, तुम्हारे लिए प्यार सिर्फ सेक्स और बच्चे पैदा करना हो गया, और सिर्फ इस बात के लिए ना कोई इंसान उनको अलग चश्मे से देख रहा है तो दिक्कत वो है, प्रॉब्लम उसके अंदर, बीमार वो है। फिर चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, या फिर सोसाइटी। शांत बेटा शांत, ले एक गिलास जूस पी ले, सारी दिक्कत ठीक हो जाएंगी, तेरी सबका इलाज है इसमें, पी। तेरा क्या इलाज है हमें वो बता दे तू। मेरा तो देख बेटा कोई इलाज ना है, मैं हूँ सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान। हो गई बड़े, बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब तू कान खोल के मेरी बात सुन। तू क्या ना इतनी चीज है, हमने तेरे से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर लिया है, और कुछ टाइम की बात है तो सबको समझ में आ जाएगा कि LGBTQ कोई बीमारी नहीं है, बीमारी बड़े तू है। और उस दिन बीच चौराहे पे तुझे बिछा के ढोल जगीरों बजा के उस पर डांस करूंगा, समझा? अब यहाँ से बहुत तेज निकल, और मेरे पे किसी की शिकायत आ गई कि किसी को होमोफोबिया की वजह से कोई दिक्कत हुई है, तो भड़वे अभी तुझे राजेशोफोबिया के बारे में कुछ पता नहीं है कि मैं कितना खतरनाक हूँ, है ना? चल बहुत तेज निकल, अभी जैसे निकल निकल निकल, लेकर जाए इसे और दूर रही लोगों से, चल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जैसे हमने इस भड़वे को अपने शो से निकाला बेइज्जत करके, वैसे ही आप अपने अंदर से भी इसको निकाल देंगे। और अगर आपको कोई होमोफोबिया का शिकार मिलता है तो उसके पास जाओ, उसे प्यार से बोलो गेट वेल सून भड़वे। तो चलते चलते प्रथा के हिसाब से अपने कुंवर पिस्तौली की एक प्यार भरी नज़्म पेश करता हूँ कि आज तुम पे गम की बरसात होगी, कि आज तुम पे गम की बरसात होगी, बादल में बिजली कड़कती काली रात होगी, और अगर आज भी तुम बाबू थाना थाया बिना पूछे सो गए तो तुम्हें खुजली सारी रात होगी। गहरी चीर गई चीर गई, वाह, आई लव यू उस्ताद। हेलो दोस्तों, एक सेकंड बेटा, ये व्हाट्सएप पे आया है कि जिन लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैं ढोल यहीं बजा दूंगा अभी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो क्या करो, लाइक की बारिश कर दो, मैं कह रहा हूँ बरसात कर दो लाइकों की, शेयर चारों तरफ फैला दो, कमेंटों में बाढ़ ला दो, और सब्सक्राइबर की धूम मचा दो। वाह ये तो मैंने बना दी है, क्या हो गया? पैर छू चला, अब नहीं बोलोगे कि लड़का लड़के को छुएगा? पांव चुला रहा हूँ।